हाय एवरीवन, तो आज मैं देख रहे हो क्या लेके आए तरबूज। अभी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि तरबूज को आर्टिफिशियल पकाया जाता है, अलग अलग से इंजेक्शन दे के कलर डाल के इसको पकाया जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उसे देख के तो मैं खुद भी डर गई। फिर मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ, बहुत सारे मैंने खुद इंटरनेट में देखा कि इसको कैसे पहचाना जाता है। तो दो तीन वीडियो देखने के बाद मैंने फिर से तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तरबूज मंगाती हूँ और इसका टेस्ट करती थी। यहाँ पे देखो मैंने तरबूज ले लिया है। अच्छा, एक पहला चीज़ उन्होंने बताया है कि तरबूज आप जब भी खरीदने जाओ तो ये पूरा ग्रीन नहीं होना चाहिए, है ना। ये नीचे इस तरह से आपको येलो पार्ट अगर दिखेगा तो ही ये तरबूज आपको नेचुरली पक्का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये तरबूज है ना इस तरह से रहता है ज़मीन में, तो ये ज़मीन का भाग जो रहता है ना यहाँ पे ये पीला हो जाता है, बाकी ऊपर का जितना भाग है ग्रीन है। तो मार्केट में आपको दो तरह के तरबूज मिलते हैं, एक पूरा ग्रीन और एक इस तरह से। तो जो पूरा ग्रीन है ना वो आर्टिफिशियली पकाया गया है जैसे मैंने नेट पे देखा, और इस तरह के ग्रीन यहाँ पे अगर येलो रहेगा तो ये आपको नेचुरल पका हुआ है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद इसका टेस्ट करती हूँ। चलिए मैं अब इसे कट करने चलती हूँ। ये मैं अब आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, है ना। तो चलिए फटाक से मैं इसे कट करती हूँ। टेढ़ा मेढ़ा था थोड़ा सा, ये देखिए कट करने के बाद आपको इस तरह से दिख रहा है। ये थोड़ा सा एक्चुअली इधर ज़्यादा कट गया है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दूसरा टेस्ट उसमें बताया गया था कि अगर आप इसका रेड वाला भाग को काट करके पानी में डालेंगे तो अगर उसका कलर रेड हो जाएगा तो वो आर्टिफिशियली पकाया हुआ है। अच्छा, उससे पहले एक टेस्ट और उन्होंने बताया था। इस तरह से आप टिश्यू पेपर ले लें और इसे इस तरह से इसके ऊपर में एटलीस्ट 2 मिनट तक रख दें। अगर ये आर्टिफिशियली पका होगा तो इसका कलर इसमें पूरा आ जाएगा, अगर नहीं पका होगा तो ये सेम एज इट इज़। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं इससे एक पीस काट के मैं पानी में रखती हूँ, है ना। तो चलिए मैं इसी से काट देती हूँ। मैं पानी तो यहाँ पे ये मैंने साफ पानी ले लिया है और एक टुकड़ा मैं इसको काट के इसमें मैं डाल के देखूँगी कि ये रंग बदलता है कि नहीं। इसे मैं 2 मिनट तक छोड़ दूँगी। ऐसे इस तरह से घिसने से तो इसमें रंग आ ही नहीं रहा है। तो ये 3 तरीका उन्होंने बताया था। तो पहला तरीका जो था वो येलो वाला भाग था। अगर इस तरह के भाग रहे तरबूज में, इस तरह सा बना रहे तो समझिए वो नेचुरल पका हुआ है, और अगर पूरा ग्रीन रहे तो वो आर्टिफिशियल। तो अब मुझे लगता है कि 2 मिनट हो गया होगा, है ना। तो इसे मैं हटा के देखती हूँ, सामने से दिखाओ। ये देखिए कोई भी कलर इसमें नहीं लगा है। आप इस तरह से रब करके कि मैं दिखा रही हूँ, कोई भी कलर नहीं है। इसका मतलब ये आर्टिफिशियली मतलब ये नेचुरली पका हुआ है। आर्टिफिशियल बोलते हैं ये नेचुरली पका हुआ, इस वजह से इसमें कोई भी कलर नहीं आया है, ठीक है। अब बढ़ती हूँ तीसरा एक्सपेरिमेंट की ओर। तो ये देखिए इसमें भी आपको कोई भी कलर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो तरबूज है ये आपका नेचुरली पका हुआ है। तो जो मैंने वायरल देखा था वो एकदम सही उतरा है। तो इसका मतलब इस तरह से आप ना अपने तरबूज को जांच कर सकते तभी उसको खाए, क्योंकि जैसे कि अभी इतना वायरल हो रहा है कि आर्टिफिशियल तरबूज खाने से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही, जिसे सुन के तो हम लोग का दिमाग ऐसे ही पक गया है डर से। तो जब मैंने ये तरबूज लाया तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।